आप सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि का दिन है और हम हमारे मंदिर के पुजारी जी हैं, उनसे हम पूछते हैं कि इस शिवरात्रि के दिन का क्या योगदान होता है, क्या होता है। आइए हम बात करते हैं हमारे पुजारी जी से। जी जी, बताइए कि आज महाशिवरात्रि है, इसके बारे में जन चला रही है, किसका क्या है? हम पंडित राजकुमार शास्त्री, रामेश्वरम शिव मंदिर, शंकर कृष्ण वाड़ा से विरोध करते हैं। और आज के दिन महाशिवरात्रि, भगवान भोले और माँ पार्वती का विवाह होने कारण जो है महाशिवरात्रि पर मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। और हमारे भक्त सुबह से ही जमावड़ा लगा हुआ है। तो ये जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, ये जमावड़ा इनकी कोई मान्यता की श्रद्धा होती है, श्रद्धा होती है क्या होती है, श्रद्धा होती है भक्तों की, श्रद्धा होती है कि हम जा रहे हैं भगवान के दरबार में तो हमें कुछ मांगने के लिए जा रहे हैं, कुछ श्रद्धा हमारी है, हम इससे उन्नत करेंगे। लेकिन ये शिवरात्रि का तो हर महीने में दिन आता है, लेकिन आज जो महाशिवरात्रि है इसका क्या अलग नहीं है? आज ये महाशिवरात्रि है और फाल्गुन मास के जो है कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है, क्योंकि भगवान भोले और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, इसी कारण मनाया। देखो हमारी अभी पुजारी जी से बात हुई थी, हम अपने कैमरा मैन से बोल रहे थे कि यहाँ भक्तों की भीड़ को एक बार दिखाएं हमारे कैमरे की नज़र से, कि यहाँ पर सुबह से 6 बजे से लोगों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर विवाहित महिलाएं और बहनें सब जल चढ़ाने की अपनी अपनी कतार में लगी हुई हैं और काफ़ी सुबह से मेहनत करती हैं और पुलिस प्रशासन का काफ़ी सहयोग है, काफ़ी सहयोग के द्वारा यहाँ पर बहुत शांतिपूर्वक जल चढ़ाया जा रहा है। जो हमारी बहन जी लाइन में लगी हैं अपनी कतार के द्वारा जल चढ़ाने आई हैं, उनसे हम बात करते हैं कि ये किस मान्यता के साथ आई हैं, क्या मान्यता है उनकी? ये अपने पति के लिए व्रत रखती हैं और लंबी आयु की दुआ करती हैं, इसलिए ये जल चढ़ा रही हैं। और भगवान शिव की बहुत बड़ी मान्यता होती है कि आज के दिन माँ पार्वती और भगवान शिव की शादी की खुशी है।